गाइस, वेलकम टू आइथ स्टडी। हम एक्सरसाइज 3 पॉइंट के कुछ क्वेश्चंस पे बात करेंगे आज। कल हमने इसमें इंट्रोडक्शन पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5 ट्रिकोनोमेट्रिक फंक्शन ऑफ कॉस एक्स इक्वल टू -1/2 एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो इसको सोल्व कैसे करेंगे हम? हमने कल क्वाड्रेंट की बात की थी। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कोट पॉजिटिव होते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सेक पॉजिटिव होते हैं। अब क्वेश्चंस के थ्रू इनमें और बात करते हैं हम। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें गिवन है कोस एक्स इक्वल टू -1/2। अब कोस का उल्टा क्या होता है? सेक एक्स इक्वल टू 1/cos x = 1/(-2) का। ये वैल्यू अपन को कोस की दे रखी है, तो इसको सोल्व करेंगे तो हम माइनस का 2, ये ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर जाके इसकी वैल्यू हो जाएगी -2। अब इसको आगे कैसे सोल्व करते हैं? एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 - cos² x, इसको इस साइड लेके आ गए। अब कोस एक्स की वैल्यू हमारे पास है, तो रखते हैं 1 - -1/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 - 1/4। अब इसको जब सोल्व करेंगे हम तो इसकी वैल्यू आएगी 3/4। अब जब इसका रूट लेंगे हम, क्योंकि ये साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू है, तो साइन एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे? इसका जब रूट लेंगे तो +√3/2। अब इसमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो हमने पढ़ा था कि थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कोट पॉजिटिव होते हैं, तो साइन क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो हम लिख सकते हैं इसमें कि सिंस एक्स लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, द वैल्यू ऑफ साइन एक्स विल बी नेगेटिव। तो अब यहाँ पे हम साइन एक्स की वैल्यू क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे, तो साइन एक्स इक्वल टू -√3/2। कोसेक एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे? कोसेक एक्स इक्वल टू 1/sin x, ये फॉर्मूला भी पढ़ा था हमने। इसकी वैल्यू कैसे रखेंगे? यहाँ से 1/-√3/2। अब इस 2 को ऊपर लेके जाएंगे तो -2/√3। अब 10 की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? 10x = sin x / cos x। साइन एक्स की वैल्यू हमारे पास है -√3/2, कोस एक्स की वैल्यू हमारे को क्वेश्चन में दे रखी है -1/2। अब इसको जब सोल्व करेंगे हम तो वैल्यू आएगी √3, क्योंकि ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे। कोट की वैल्यू कैसे निकालेंगे? कोट एक्स इक्वल टू क्या होता है? 1/10। 10 की वैल्यू हमने निकाल ली, तो ये वैल्यू आई, इसका उल्टा करके रखेंगे तो 1/√3, ये वैल्यू कोट की आ गई हमारे पास। अब ऐसे हमने सारे फंक्शंस की वैल्यू निकाल ली, और ये निकालना था हमें। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं, उस पर और बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ साइन एक्स इक्वल टू 3/5 x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। अब इसको कैसे करेंगे कि हमें गिवन है साइन एक्स इक्वल टू 3/5, कोसेक एक्स इक्वल टू क्या होता है? 1/sin x। अब इसकी वैल्यू रखेंगे 3/5, तो इक्वल टू 5/3, ये कोसेक एक्स की वैल्यू आ गई। तो हम प्रॉपर्टी पढ़ी थी, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 - sin² इस साइन स्क्वायर को इस साइड लेके आ गए हम, तो इसको आगे कैसे सोल्व करते हैं? कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 - sin की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में दे रखी है 3/5 का होल स्क्वायर, 1 - इसका स्क्वायर किया तो 9/25 इक्वल टू, इस 25 को इधर मल्टीप्लाई करके 9 माइनस करेंगे
तो 16/25। अब ये कोस एक्स स्क्वायर एक्स की वैल्यू आ गई, तो कोस एक्स की वैल्यू कैसे आएगी, इसका रूट लेंगे तो प्लस माइनस 4/5। अब अपन को क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि एक्स लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, तो हमने पढ़ा था सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं और सारे नेगेटिव होते हैं, तो कोसेक्स हमारा नेगेटिव होगा तो हम क्या लिखेंगे, सिंस एक्स लाइज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट द वैल्यू ऑफ कोसेक्स विल बी नेगेटिव। अब यहाँ पे हम कोसेक्स की वैल्यू नेगेटिव लेंगे तो कोसेक्स इक्वल टू -4/5। अब सेकक्स क्या होता है, 1/cosx, तो 1/-4/5। अब इसको सोल्व करेंगे तो माइनस का 5/4, ये 5 ऊपर आ जाएगा। अब टेन की वैल्यू निकालेंगे, टेन एक्स क्या होता है, साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, साइन एक्स की वैल्यू अपने पास है 3/5 अपॉन कोस की वैल्यू है -4/5, 5 से 5 कैंसिल हो के 3/4 माइनस के। अब हम आगे कैसे सोल्व करते हैं, कोट क्या होता है हमारा, कोट एक्स इक्वल टू 1/10x, तो 1/-3/4 ये वैल्यू निकाली थी हमने 10 की, इसको लिखेंगे -4/3, यही निकालना था हमें। इसमें अपन को क्वाड्रेंट का ध्यान रखना है, कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और कौन से में क्या नेगेटिव होता है, बस ये ध्यान रखते ही क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा अपना। अब इसमें एक क्वेश्चन और लेते हैं हम, अब क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इफ कोट एक्स इक्वल टू 3/4, एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। अब हमें गिवन क्या है, कोट एक्स इक्वल टू 3/4, टेन एक्स इक्वल टू 1/cotx इक्वल टू, अब इसकी वैल्यू क्या होगी, 1/3/4, तो 4/3, ये 10 की वैल्यू आ गई। अब हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी 1+10²x इक्वल टू sec²x, अब यहाँ से sec स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है हम, तो 1+10 की वैल्यू हमने निकाली 4/3 का स्क्वायर इक्वल टू sec²x। अब इसको सोल्व करेंगे, 1+16/9 इक्वल टू sec²x। अब इसको आगे सोल्व करेंगे हम तो 25/9 इक्वल टू sec²x। अब यहाँ से secx की वैल्यू क्या आएगी, secx इसका रूट लेंगे तो प्लस माइनस 5/3। अब क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है कि x lies in थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कोट पॉजिटिव होते हैं, तो हम लिखेंगे सिंस एक्स लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट द वैल्यू ऑफ सेकक्स विल बी नेगेटिव। अब इसमें हमें सेकक्स है और थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कोट पॉजिटिव होते हैं, सेकक्स है तो सेकक्स नेगेटिव होगा हमारा, तो हमने नेगेटिव वैल्यू लेंगे यहाँ पे, सेकक्स इक्वल टू -5/3, कोसक्स इक्वल टू क्या होता है, 1/sec(x) इक्वल टू 1/-5/3, तो -3/5, ये कोसक्स की वैल्यू आ जाएगी। अब टेनक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे, टेनक्स इक्वल टू साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, तो हमारे पास साइन एक्स की वैल्यू नहीं है, टेन एक्स की वैल्यू दे रखी है हमें, टेन एक्स की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे हम, 4/3 इक्वल टू साइन एक्स अपॉन कोस की वैल्यू है -3/5। अब इसको जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे हम तो साइन एक्स की वैल्यू क्या आएगी, साइन एक्स इक्वल टू 4/3 इंटू -3/5, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएंगे, -4/5।
ये साइन एक्स की वैल्यू आ गई। अब कोसेक एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे, वन अपॉन साइन एक्स होता है, वन अपॉन साइन एक्स की वैल्यू हमने निकाली माइनस फोर अपॉन फाइव इक्वल टू माइनस का फाइव बाई फोर, कोसेक एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास। यही हमसे पूछा था क्वेश्चन में। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं। फाइव नंबर का क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर फाइव ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ टेन एक्स इक्वल टू माइनस फाइव बाई ट्वेल्व एक्स लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। अब हमें गिवन क्या है, टेन एक्स इक्वल टू माइनस फाइव बाई ट्वेल्व, तो टेन एक्स इक्वल टू माइनस फाइव बाई ट्वेल्व। कोट कैसे निकालेंगे, कोट एक्स इक्वल टू वन अपॉन टेन एक्स, वैल्यू पुट करेंगे वन अपॉन माइनस फाइव बाई ट्वेल्व माइनस का ट्वेल्व अपॉन फाइव, ये कोट की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हमारी प्रॉपर्टी है वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। अब यहाँ से सेक स्क्वायर एक्स कैसे निकालेंगे हम, वन प्लस माइनस फाइव बाई ट्वेल्व का होल स्क्वायर। अब इसको जब हम सोल्व करेंगे यहाँ से, तो वन प्लस ट्वेंटी फाइव अपॉन वन डबल फोर। अब इसको जब सोल्व करेंगे तो ऊपर वन सिक्स नाइन अपॉन वन फोर फोर, ये हमारी वैल्यू आ गई सेक स्क्वायर एक्स। अब इसका जब रूट लेंगे तो सेक एक्स इक्वल टू प्लस माइनस थर्टीन अपॉन ट्वेल्व। अब हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि एक्स लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारे साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं और सारे नेगेटिव होते हैं, तो यहाँ पे सेक एक्स है, तो सेक एक्स यहाँ पे सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारा नेगेटिव हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, सिंस एक्स लाइज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट द वैल्यू ऑफ सेक एक्स विल बी नेगेटिव। अब सेक एक्स की जब वैल्यू हम नेगेटिव लेंगे तो हम कोस एक्स को क्या लिखेंगे, वन अपॉन सेक एक्स इक्वल टू वन अपॉन माइनस थर्टीन अपॉन ट्वेल्व, इसको आगे सोल्व करेंगे तो माइनस ट्वेल्व बाई थर्टीन। अब हम टेन की वैल्यू कैसे निकालेंगे, टेन एक्स इक्वल टू साइन एक्स अपॉन कोस एक्स। टेन की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी है माइनस फाइव बाई ट्वेल्व इक्वल टू साइन एक्स अपॉन कोस की वैल्यू हमने निकाली माइनस ट्वेल्व अपॉन थर्टीन। अब इसको जब आगे सोल्व करेंगे हम तो साइन एक्स इक्वल टू माइनस फाइव बाई ट्वेल्व, और ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस का ट्वेल्व बाई थर्टी। अब ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएंगे, ट्वेल्व से ट्वेल्व कैंसिल आउट हो जाएंगे, फाइव अपॉन थर्टीन। अब यहाँ से कोसेक एक्स क्या आएगा, कोसेक एक्स इक्वल टू वन अपॉन साइन एक्स, वन अपॉन फाइव बाई थर्टीन इक्वल टू थर्टीन बाई फाइव, ये वैल्यू हमारे पास आ गई। गाइज अपन को इन क्वेश्चंस में यही ध्यान रखना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है और जो बच जाते हैं वो सारे नेगेटिव होते हैं उसके बाद, ये ध्यान रखना है, उसके बाद में हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। गाइज वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें, इससे आगे का पार्ट अपन नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। थैंक यू।